प्रज्वल रेवन्ना एक ऐसा नाम जिनकी चर्चा इस वक्त कर्नाटक और देश की राजनीति में खूब हो रही है। रेवन्ना देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते हैं। देवगौड़ा परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता और हासन के सांसद हैं। उनके घर काम करने वाली मेड ने रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। 33 साल के रेवन्ना पर 47 साल की पीड़िता ने जिस तरह के आरोप लगाया है, पिछले कुछ दिनों से रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो को खूब फैलाया जा रहा है। खास बात यह है कि पीड़िता रेवन्ना की पत्नी की रिश्तेदार भी बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके दादा PM, चाचा CM और पिता मंत्री रह चुके हैं, प्रज्वल रेवन्ना को राजनीति विरासत में मिली। उनके दादा देवगौड़ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। चाचा HD कुमार स्वामी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जबकि उनके पिता HD रेवन्ना कुमार स्वामी सरकार में PWD मंत्री भी रहे हैं। प्रज्वल एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उन्होंने साल 2014 में बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 27 नवंबर 2019 को प्रज्वल को JDS का राज्य महासचिव नियुक्त किया गया। पार्टी में उन्होंने 8 साल से ज़्यादा समय तक काम किया। प्रज्वल रेवन्ना 2019 में पहली बार हासन से सांसद बने। इस सीट पर 2004 से JDS का कब्जा है। 2004 से 2014 तक उनके दादा पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ लगातार जीतते रहे हैं, मगर 2019 में उन्होंने अपने पोते रेवन्ना को खड़ा किया। इस चुनाव में रेवन्ना को शानदार जीत मिली। रेवन्ना ने BJP के A मंजू को करीब 1 लाख से अधिक वोटों से हराया। वही इस साल रेवन्ना NDA की तरफ से हासन सीट चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में BJP JDS का गठबंधन है। बता दें कि हासन में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हुआ। वोटिंग के दिन उनके कुछ अश्लील वीडियो वायरल किए गए। उनके पोलिंग एजेंट ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। एजेंट ने आरोप लगाया कि आरोपी घर घर जा रहे हैं और ये अश्लील तस्वीरें और वीडियो दिखा रहे हैं और लोगों को प्रज्वल को वोट ना देने के लिए उकसा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। आयोग ने राज्य सरकार से इस वीडियो की जाँच SIT से कराने की मांग की। आयोग ने आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ जबरदस्ती की गई या उनकी सहमति के बिना उनका वीडियो बनाया गया। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने इसकी जांच के लिए एक SIT टीम गठित की। इसके अगले दिन पता लगा कि रेवन्ना देश छोड़कर जर्मनी भाग गए हैं।